नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वे सातवीं बार अंबाला कैंट से जीतकर विधायक बने हैं। इससे पहले विज मनोहर सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। इस बार नायब सैनी सरकार में भी उनको मंत्री बनाया गया है। विज को बिजली, परिवहन और श्रम मंत्रालय दिया गया है। विज ने कहा कि उनको हरवाने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, उनकी हत्या तक की साजिश रची गई। मंत्री ने आरोप लगाने के बाद जांच की मांग भी की है। वे अंबाला छावनी विधानसभा सीट पर जीत के लिए एक धन्यवादी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विज ने समर्थन देने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। विज ने इस दौरान खुलासा किया कि उनके खिलाफ साजिशें रची गई, कई अफसरों ने उनके खिलाफ काम किया, इसकी जाँच होनी चाहिए। नगर परिषद ने उनकी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य तक रोक दिया, कई दूसरे काम भी नहीं हुए। अनिल विज ने दावा किया कि चुनाव में उनके खिलाफ खून खराबा करने की कोशिश भी की गई, ताकि अनिल विज या उनके कार्यकर्ता मर जाएं। चुनाव प्रभावित करने के लिए काफी कोशिशें हुई। विज ने कहा कि शाहपुर गांव की धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी परमिशन भी चुनाव आयोग से ली गई थी। चुनाव आयोग पुलिस से NOC लेकर ही परमिशन देता है। जब वे कार्यक्रम में गए तो वहां काफी लोग मौजूद थे। कई लोग लाठी डंडे लेकर आए थे और मारपीट शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने धैर्य नहीं खोया। सवाल ये उठता है कि उस दौरान पुलिस कहां थी? अगर कुछ गलत होता तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाता। विज ने खुलासा किया कि उनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन घटना से एक दिन पहले आधी सिक्योरिटी हटा ली गई। उस दिन CID कहां थी? क्या उसको घटना के बारे में जानकारी नहीं थी? इसी तरह की घटना गरनाला गांव में हुई थी। कार्यक्रम से पहले उन्होंने DGP, DC, चुनाव आयोग, SP और RO को पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी, लेकिन वहां भी उनके साथ कई लोगों की झड़प हुई। अगर कुछ भी गलत हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? विज ने तंज कसा कि पुलिस प्रशासन उनको हराने की कोशिश कर रहा था। सज्जन को है उन लोगों के गली गली में जाकर मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को चित्रा सरवाला के कैंप में ज्वाइन किया। सबूत है सारे मेरे पास, सारे सबूत हैं उसने जो किया और किसके कहने से किया, क्यों किया मुझे मालूम नहीं। मैंने उसकी फेसबुक देखी, फेसबुक अकाउंट, उसने हर पेज पर नायब सिंह सैनी के साथ अपनी फोटो रखी, हर पेज के ऊपर अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए। उसका क्या रिश्ता है हमारे मुख्यमंत्री के साथ मुझको मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जो तुमने कर्म किया है तेरे को हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का अधिकार है। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि निर्विज को हराया, पूरी कोशिश करते हैं। क्यों करें ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं बनाता, लेकिन जो खुदी थी नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनानी से रोक, मंजूर शुदा सड़कें जो सड़कें मंजूर थी जो अब शुरू हो गए, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गए? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाए जा सकते थे, एक बार भी वो लोग को मना नहीं करता। लेकिन सारे काम रोक गए और यहां तक की बात सीमित नहीं है। मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए उसमें
में अनिल विज मारता है या अनिल विज का कोई वर्कर मारता है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। चुनाव को मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम, मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले ली और मैंने सारे कार्यक्रम इजाजत ले ली और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी देता है, पुलिस से भी एनओसी देता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया, गांव के काफी लोग वो बड़ा हाल है हाल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर किसान यूनियन के डंडे लगाकर उस हाल के अंदर वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भूल गए और उठा उठाकर उनको पार अगर सड़क हम कुछ बोला तो मेरे चुनाव को बता रह गया था। कोई किसान यूनियन का मारता था, कोई गांव वाला मारता था या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आके आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां पर छूट नहीं। मेरी जेल सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से खुद से जान से मारने की धमकी मिली थी। उसी एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और सीआईडी का सीआईडी को क्यों पता मिलेगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करे? मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं। इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार वही प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां पर क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को भी लोग डंडे और लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर था। जिम्मेवारी किसकी? क्यों चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है? फायदा क्या है चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का? परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए, मैंने कुछ तार निकाले, बताऊंगा क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।